फेवरेट सीन आप हमें बताइए कि पूरे सीरीज में, फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में फेवरेट सीन या एपिसोड आपका कौन सा रहा है? मेरा 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 सीन भी किसी और का। भी आप अपना बताइए और फिर दूसरों का भी आप जिक्र कर दीजिए। मेरा तो ये अशोक पाठक के साथ जो सीन हुआ बहुत अच्छा हुआ, एपिसोड 3 जो था। जी अशोक पाठक बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो बहुत जोरदार है। और मुझे सबसे अच्छा, बहुत से सारे ही अच्छे हैं, पर ये जब हम लोग का झगड़ा हो जाता है ना, जब बैठे रहते हैं जीतू का, वो बहुत अच्छा सीन है। जी जीतू कहता है दोस्ती कहने से नहीं नहीं होती है, हाँ, जब हम लोग जाते हैं फिर पार्टी नहीं हो पाती, वापस चले आते, वो अच्छा सीन दिल पे लग गया था वो है। हाँ सीन हाँ वही वही एकदम। वो जो है वो बहुत ही चेंज हुआ, बहुत जी, और जैसे अच्छा भी किया जीतू ने बहुत। हाँ, और आपके फैमिली या रिलेटिव्स जो आपके बचपन के दोस्त रहे होंगे, उन्होंने जब सीरीज को देखा तो कैसे रिएक्शंस आए हैं? अरे बहुत प्यारे प्यारे मजाक भी उड़ रहा है कि अरे मोटे। पर ये है कि दोस्त तो हमेशा दोस्त ही रहते हैं ना, तो जी अगर बुरा भी कहेंगे वो भी अच्छे के लिए कहेंगे। तो जी और मेरे मेरे बहुत दोस्त हैं लाइफ में। सर, हमने मैंने जैसे कहा कि हमें तो सारे कैरेक्टर्स एक मोहब्बत सी हो गई है, इतने जेन्युइन किरदार हैं हर एक, चाहे वो सचिव जी हो या आपका हाँ कैरेक्टर हो या अपनी रिंकी ही हो, बट आपके लिए कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको सबसे फनी और सबसे मजेदार लगता है? मुझे जो है रघु भाई के साथ काम करके जिस दिन से हुआ है ना, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम उन्होंने मुझे सिखाया कि जो है मॉनिटर मत, मतलब वो नहीं देखते मॉनिटर, तो मैं भी नहीं देखता हूँ, जी कि मैं कभी देखता ही नहीं मॉनिटर, टेक करते हैं, कहते हैं दिमाग हो जाएगा। मजेदार वो इसलिए है कि जैसे ही वो सेट जिस मोमेंट पर सेट पर रहते हैं, सबसे छोटे वही रहते हैं, वो इतना इतना मतलब एनर्जी अलग रहता है, मजा आता है। हम सब को, जीतू चंदन सारे रूम में जितने भी हैं, वो सब लोग रघु भाई से बहुत प्यार करते हैं। वो इतने ज्यादा मतलब आपको मतलब स्पोर्टिंगली सिखा के हटा के निकल जाएंगे, ये ऐसे कर लो। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे अच्छे किरदार तो वही लगते हैं। मतलब जी मेरा उनसे ज्यादा ही सीन में भी इंटरेक्शन ज्यादा है वैसे, इसलिए। हम्म।